तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, लास्ट वीडियो आप लोगों ने मेरी देख ली होगी कि उसमें क्या सीन हुआ और क्या नहीं, और मेरा ना माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है उसके बाद। मेरा मन नहीं था वीडियो शूट करने का, मेरा मन नहीं था किसी से भी बात शेयर करने का, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे बात शेयर करूँ। सो मेरे माइंड में ना बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन चल रही है। वो कन्फ्यूजन क्या चल रही है वो आप लोग ही उसका आंसर मुझे दे सकते हो। तो प्लीज़ यार, आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करना ताकि मैं वो चीज़ कर सकूं। आप लोगों ने देख ली होगी कि जो मेरे घर वालों ने जो लड़का मेरे लिए चुना था, ठीक है, उसका मैंने लॉयल्टी टेस्ट लिया एंड वो फेल हो गया उसमें। और मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है इस चीज़ में कि यार मैंने जिस इंसान से इतना मतलब लगाव लगा लिया, उससे बातचीत कर ली। देखो, मेरे को प्यार तो अब किसी से नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ठीक है, घर वालों के कहने पर मैं उससे मिल रही थी, बहुत सारी चीज़ें हम लोग के मतलब बातें हमारी हुई इतनी, और बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। लेकिन माइंड ना पूरा डिस्टर्ब हो चुका है उस चीज़ को लेके, क्योंकि मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा सोच रही हूँ अब उस चीज़ को। मेरा माइंड ना बिल्कुल काम करना बंद कर चुका है और मैं अब उस चीज़ को समझ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि यार सच में बहुत सारी चीज़ें सी हो गई है कि मेरा माइंड ना पूरा ही डिस्टर्ब हो गया है। मतलब मेरी लाइफ में कोई भी आ रहा है तो वो ऐसा ही निकल रहा है क्या? मतलब इतना पागल, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो मतलब कोई पूरी नहीं कर, मतलब मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ। यार हर चीज़ एक फिजिकल नहीं होता, हर एक चीज़ सुंदरता नहीं होती यार, इंसान का दिल देखा जाता है। बट ठीक है, मैं ये चीज़ घर वालों से सोच रही थी बहुत देर, बहुत टाइम से, कि मैं शेयर करूँ कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ है, लेकिन यार मैं शेयर नहीं कर पा रही। उनको पता है क्या मेरी गलती लगेगी? उनको ये लगेगा कि ये इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहती इसलिए ऐसा कर रही है। लेकिन सच में यार, कसम से, मैं नहीं चाहती थी ये चीज़ हो, ये रिश्ता टूटे। मैं चाहती थी ठीक है आगे बढ़े। मेरे को बहुत हर्ट हो रहा है, मैं राज को अपनी लाइफ में वापस नहीं लाना चाहती, लेकिन फिर भी जो भी हो रहा सच हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये बातें किससे शेयर करनी चाहिए, मम्मी से करनी चाहिए कि अपने भाई से करनी चाहिए। मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि घर वालों से करने का मतलब ये है कि उन लोगों को वही चीज़ लगेगी, यार ये फिर से वही चीज़ें कर रही है और ये सब झूठ है। वो लोग नहीं समझती ये चीज़ें, वो लोग नहीं समझेंगे। और मेरे को ना सच में मुझको बहुत बुरा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है क्यों, मतलब क्यों हो रहा है मेरे साथ ये चीज़ें। मैंने सोचा था कि हर चीज़ एकदम सॉर्टेड रहेगी। उस बंदे ने ना उसके बाद से मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया, और मेरी फ्रेंड्स की उससे लगातार चैट्स हो रही है, और वो बात भी कर रहा है, वो कॉल पे भी बात कर रहा है, सब कुछ है। स्टिल मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है, बस वही प्रूफ है कि उसने नंबर ले लिया एंड ऑल। बहुत बुरा लग रहा है यार, मेरे दिल पे ना वो चोट लग गई है मेरे को ना, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। मतलब दिल से ना सच में बुरा लग रहा है यार। मतलब मैं चलो घर वालों के कहने पे भी हाँ बोल दी, लेकिन ये सारी चीज़ें तो मैं डिजर्व नहीं करती थी ना। प्लीज़ यार गाइज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब मैं प्रूफ दूँ या फिर अपने मम्मी से बात करूँ या फिर अपने भाई को बोलूँ, क्या करूँ? इन तीनों में से एक चीज़ प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना है। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके जाना, और जो भी चैनल पे न्यू है वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।